और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है, जो कि अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। टीवी चैनलों पर जेडीयू का चेहरा बन चुके केसी त्यागी अब न्यूज चैनलों पर कुछ कम ही दिखेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है, तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान भी सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दिया है और उनकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे दी थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए उस पद पर। जेडीयू की ओर से कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्रों की माने केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयान बन गए जो अक्सर तो इस्तीफा देने की वजह निजी है या फिर इसके पीछे वजह है व्यस्तता, इसके बारे में संशय बना हुआ है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से इस्तीफे के कुछ दिन पहले से दिए जा रहे बयानों को इसका वजह माना जा रहा है। केसी त्यागी का इसी वजह से इस्तीफा लिया गया। आइए उन पांच बड़े बयानों को जानते हैं जो केसी त्यागी ने कुछ दिनों पहले दिए थे, वो आपको बताते हैं एक एक करके। पहला बयान, इसराइल युद्ध पर विपक्ष का समर्थन। जब केसी त्यागी ने हाल ही में इसराइल हमास युद्ध पर विपक्षी नेताओं के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था और इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि उनको नहीं देना चाहिए। दूसरा, लेटरल एंट्री पर अपनी राय व्यक्त की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही और इसको भी कहा जा रहा था कि वो बयान जो है उनको नहीं देने चाहिए। तीसरा, एससी एसटी आरक्षण पर अपने उन्होंने विचार रखे अलग से और इसको लेकर के भी वो काफी विवादित बयान माना जा रहा है। चौथा, वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने बयान दिए जिससे ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के विरोध में बातें कर रहे हैं, यानी कि वो लाइन क्रॉस करके बात कर रहे हैं। पांचवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुल करके उनका बोलना। केसी त्यागी ने खुल करके कहा था, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा उठाया तो केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है लेकिन व्यापक परामर्श चाहती है। उन्होंने कहा कि ये 2017 में कानून आयोग को लिखे अपने पत्र में खुद नीतीश कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया था और ऐसा हम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उनके दिए गए बयानों की वजह से उनका इस्तीफा लिया गया है और किसी और